वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस, लुक एट द व्यू यार, लुक एट द व्यू। अभी हम ईस्टर्न सर्कल दौड़ के हैं, चंडीगढ़ हम जा रहे हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और मेरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। सबसे आपको रूम का टूर कराता हूँ, आइए जरा। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सबको सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपने घर सब अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। तो आज का दिन कुछ अलग होने वाला है, कुछ मस्ती धमाल और फुल टू फन होने वाला है। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आप, मैं और कुछ न्यू बहुत बड़े सरप्राइजेस भी मेरे साथ जा रहे हैं। तो मैं नहा चुका हूँ, अभी फटाफट निकल रहे हैं। मैं चाय पी लेता हूँ यार, चाय के बिना नहीं निकलना चाहिए। चाय के साथ मैं कुछ खाऊंगा यार, मिक्सचर या ब्रेड। उसके बाद मैं आपको सीधा मिलता हूँ जर्नी पे, ठीक है? और बहुत चीजें रिवील भी कर रही है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत मजा आ रहा है और अभी हम ईस्टर्न फेरीवेल रोड पे हैं, चंडीगढ़ हम जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि छोटी छोटी ट्रिप्स करेंगे, तो पहली ट्रिप चंडीगढ़ के नाम, और हमें अप्रॉक्सीमेट 4 से 4.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि 250 से 260 किलोमीटर है। तो इस जर्नी में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और मेरा सपोर्ट भी कर रहे हैं। सबसे पहले शालू से मिलिए आप। हेलो शालू, सारे व्यूअर्स को हेलो, गुड मॉर्निंग। सॉरी, मेरा फोन आ गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मिलवा रहा था आपसे आशीष को। हाय गाइस, आशीष की बदौलत ही हम जा पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे ड्राइविंग आती नहीं है अभी, और आशीष को मैंने ये भी बोला कि आशीष मुझे अपनी तरह प्रो भी बनाओ। तो अभी हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, बाकी जाना हमें थोड़ा पहले था, 8:30 बजे निकला था, अभी 10:30 हो चुके हैं, तो हम थोड़ा लेट हैं, बट इट्स ओके यार, जितना भी रुक के जाएंगे इंजॉय करते हुए जाएंगे। और वहाँ जाके एक दो फ्रेंड से भी मीटअप है, सरप्राइज देना है उनको, तो उनसे भी मिलेंगे और कुछ और भी प्लान है। बेसिकली हम घूमने जा रहे हैं और जितना भी कवर कर पाए, जितना भी आप लोगों को दिखा पाए और हम इंजॉय कर पाए, तो उतना डेफिनेटली करेंगे। तो आप बने रहिए, रास्ते में भी बहुत मस्ती करना है और टाइम मिला तो मूर्थल के पराठे भी खाएंगे, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है। आई एम श्योर कि आप लोग भी जब भी चंडीगढ़ या इस रूट पे निकलते होंगे तो मूर्थल के पराठे बिना खाए नहीं जाते होंगे। तो लो जी, हम पहुंच ही गए थे मूर्थल। डिस्कशन तो काफ़ी हुआ, बट मैंने मना ही लिया कि यार चलते हैं पराठा खाते हैं। तो फाइनली पहुँच गए हैं सुखदेव मूर्थल, देखिए। चलिए चलते हैं यार अंदर, और बाहर धूप भी बहुत है, आप देख सकते हैं दिन के टाइम पे कितनी पार्किंग है, लाजवाब पराठे हैं। चलिए अंदर चलते हैं यार, बाहर बहुत धूप थी यार, और चलो चलो। तो मेन्यू खोला जाए, देखा जाए क्या कुछ ऐड ऑन हुआ है नया, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले आया था। वैसे मुझे तो पता ही है कि मुझे क्या खाना है, ऑब्वियसली आप लोगों को भी पता है कि पराठा ही मेरा फेवरेट है। स्टिल देख लेते हैं क्या खाना है, इंडियन स्नैक्स में क्या है। चलो फिर मैं अपना पराठा ही ऑर्डर करता हूँ यार। और इन दोनों को देखो, ये मोबाइल्स में लगे हुए हैं, मुझे तो फाइनली वी हैव ऑर्डर्ड दी पराठा। बट एक बात है यार, मुझे हमेशा से गोभी का पराठा ही पसंद है, बट अनफॉर्चुनेटली गोभी का सीज़न नहीं है, तो गोभी का पराठा मिला नहीं, तो आलू और प्याज से ही काम चलाते हैं, देखते हैं। तो चलते चलते मैंने आशी को कहा कि आशी एक बार गाड़ी रोक यार, और देखते हैं ये क्या है।
मतलब देखा क्लोज जाके तो एक बार तो स्केरी लगा कि क्या नदी है, क्या नज़ारा है यार। मुझे एक्चुअल वाटर फोबिया बिल्कुल नहीं है, बट यार क्लोज से देखने से थोड़ा सा डर लगा मुझे। बट आसपास का नज़ारा मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बहुत ही प्यारा था यार। और फिर मैंने आशु होगा चलते हैं फटाफट, अदरवाइज 4 घंटे का जो जर्नी है वो कहीं 6 घंटे में ना हो जाए। और साथ साथ आशी मुझे कुछ एक्सप्लेन भी कर रहा था, और जो टेक्निकलिटी है, छोटी छोटी बातें हैं व्लॉगिंग की, एडिटिंग की, वो भी मुझे बता रहा था कैसे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे कैसे बेटर डिस्प्ले कर सकते हैं, बिकॉज वो भी एक सब्सक्राइबर है हमारा, वो भी एक व्यूअर है, तो फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। यही मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप दिल से देख रहे हैं तो बताइए क्या इम्प्रूव हो सकता है, क्या एड ऑन कर सकते हैं, क्या नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही जर्नी चलती रही, काफ़ी डिस्कशन होते रहे। उसके बाद तो यार हम यहाँ रुके हैं पानी पत्र थोड़ी देर पहले, जैसे कि CNG फिल करवा लो इस पर, क्या पता आगे पंप हो या ना हो, आइडिया नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले चंडीगढ़ आए थे। तो अभी 160 किलोमीटर पानीपत से चंडीगढ़ है, मतलब 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। उसके बाद करनाल है, फिर कुरुक्षेत्र है, जो एक काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक जगह है, महाभारत की बैटल आप लोगों को पता होगा। और चल रहे हैं यार, अभी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी 2.5-3 साल पहले गया था, काफ़ी चीज़ें याद नहीं है मुझे। और शालू भी थोड़ी सी टायर्ड लग रही है, क्योंकि शालू भी काफ़ी टाइम पहले गई थी। शालू कितने टाइम पहले गई थी? बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। बहुत टाइम हो गया है, कोई नहीं कोई नहीं, अब इंजॉय करते हैं और रिफ्रेश करते हैं मेमोरीज़ को। ठीक है चलो भाई लोगों, चलते चलते मेरी तो आँख ही लग गई थी, वो तो थैंक्स टू आशी, आशी ने मुझे उठाया कि यार साथ में बैठ के अगर सोओगे तो मुझे भी नींद आएगी। और चलते चलते मुझे ये भी बताया कि चंडीगढ़ हम पहुँच गए हैं। तो अभी हम होटल सर्च कर रहे हैं यार, देखते हैं कहाँ मिल रहा है, उसके बाद मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करूँगा और बताता हूँ कि कहाँ का क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हैं हम आगे। ठीक है, तो आगे बने रहिए, एक बार इसे देख लेते हैं वरना फिर पहले दिन चल लेंगे भाई, थोड़ा तो रिसर्च करनी पड़ेगी। ये लिखा क्या हुआ यार, मेक चंडीगढ़, नहीं नहीं ये कह रहा हूँ मैं जो हिंदी में लिखा है, मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। क्या आप लोग इस बात से रिलेट करते हैं, फॉलो करते हैं? अगर नहीं करते तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। ओवरटेक कर रहा है या ओवर स्पीडिंग कर रहा है, अपनी ही लेन में अपनी ही मस्ती में चल रहे हैं, बहुत बढ़िया यार। ये स्पेशलिटी है यार इस सिटी की। तो फाइनली हमें होटल मिल चुका है, तो मैं आपको रूम का टूर कराता हूँ, आइए जरा। तो ये बेड है, ये बेड है, ये पिंक कलर की वॉल है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट स्टिल मैनेज करना पड़ रहा है, बिकॉज इतनी स्ट्रगल लगी है रूम सर्च करने में, एक होटल, दूसरा होटल, तीसरा होटल, बिकॉज सबके पास अवेलेबिलिटीज नहीं है, कोई भी अभी चेक इन ले ही नहीं रहा था। तो फाइनली यहाँ हमें चेक इन मिल चुका है, और आज का जो स्टे है वो इसी होटल में, इसी रूम में होने वाला है। थोड़ा बहुत देख लेते हैं, टीवी लगा हुआ है थैंक गॉड, ड्रॉअर है, ये विंडो है। कैसा आउटडोर व्यू यार, ये क्या हुआ है? अरे कबूतर किसी ने मार के रखा, अबे नहीं यार ये तो ओ गॉड, मुझे ऐसा लगा कि कबूतर, शालू ऐसा लग रहा था कि कबूतर को किसी ने मार के यहाँ पे मतलब हैंग किया हुआ है, बट ये तो आर्टिस्टिक स्किल्स हैं यार, क्या बात है गाइस, देख रहे हो मैं डर गया था कि कबूतर को मार के किसे रखा हुआ है यार, कमाल है यार, लोगों में क्या क्या दिमाग आ चुका है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ देखते हैं, ये आपका मिरर, आप अपने आप को देख सकते हैं, आप अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे, और ये छोटा सा मिनी फ्रिज, हाँ 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 हाँ, ठंडी ठंडी पानी की बोतलें, और क्या है, ये ड्रॉअर है, ये कैबिनेट है, ये क्या है, ये कबाड़ है, वॉशरूम देख लेते हैं यार, ठीक है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। अब टाइम स्पेंड करना है, आज का दिन काटना है तो यहाँ करना पड़ेगा, कल के दिन कुछ नया करते हैं, कुछ नया धमाल होगा, और मे भी कुछ नई प्रॉपर्टी देखें। तो अभी आ चुके हैं यार, बहुत टायर्ड हैं, और पूरी जर्नी पे
सिर्फ सुखदेव के बाद अभी तक कुछ नहीं खाया बिकॉज हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। शालू कितनी थक चुकी है, मतलब अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और उसके बाद बाहर का क्या प्लान है, बाहर कुछ खाने जाएंगे या कुछ शॉपिंग करते हैं, जो भी शालू कहेगी। तो अभी रेस्ट करते हैं, मैं आपसे अभी आगे के व्लॉग में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, बने रहिए। चलो यार कुछ काम भी कर लेते हैं, एडिटिंग करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये ही सबसे ज़्यादा काम है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। अगर ये एडिटिंग नहीं होगी तो आप क्या देख पाएंगे, क्या प्यार देंगे, और आपके प्यार की बहुत ज़्यादा नीड है। शालू हंस रही है। शालू आज आप पहली बार आए हैं कैमरा के सामने और सारे व्यूवर्स के सामने, सारी फैमिली के सामने, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे नहीं, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं। कोई नहीं कोई नहीं, आपको सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं, सारी YouTube फैमिली बहुत पसंद करेगी, बहुत प्यार देगी। कमेंट में बताइए कि शालू कितनी क्यूट है, कितनी स्वीट है, आप सारे बताइए। और अगर खाने की बात बताऊं मैं आपको, तो यार खाना तो नहीं मंगाया था बिकॉज हमने कहीं बाहर जाना था, तो ये मैंने कुछ स्नैक्स मंगाया था, ये चिली पटेटो मंगाया था और स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल तो थोड़ा थोड़ा ठीक था, बट अगर मैं बात करता हूँ चिली पटेटो की, तो ना तो चिली था ना पटेटो था, वो आलू की सब्जी लग रही थी जिसके ऊपर सीधा सीधा शहद डाला हुआ था। बट ठीक है, मैनेज कर लिया यार। चलना नहीं है बाप ने। अरे तो चल रहे हैं, तुम्हें काम भी तो कर। कैसा काम, ये तो मैं करती हूँ। तो कैसा काम? अच्छा आप करते हो। सब कुछ आप करती हो। आई नो आप करते हो, आप उसमें मुझे बहुत हेल्प कर रहे हो, टेक्निकलिटी में आप भी बेस्ट हो, बट कुछ काम मुझे फाइल्स लेनी है, पहले वो लेने दो, उसके बाद मैं रेडी होता हूँ, फिर चलते हैं। तो गाइस हम डायरेक्टली आपको मिलते हैं इलांटे मॉल, तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए और बहुत अच्छी चीज़ें आपको दिखाएंगे, जो मुझे पता है, जो मुझे नहीं भी पता, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी बस थोड़ा सा काम कर लूँ, उसके बाद निकलते हैं हम। घूमते घूमते यार बहुत ज़्यादा हम थक भी गए थे, तो शालू से मैंने कहा क्या खाना है, शालू कह रहे डिनर तो मुझे करना नहीं है, तो मुझे कुछ लिक्विड में चाहिए। तो मैंने पूछ लिया लिक्विड में क्या चाहिए, वैसे मुझे पता था, मैंने जान के पूछा है, तो इनको कोल्ड कॉफ़ी जो है वो बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो आप कोल्ड कॉफ़ी ले लेना, मैं कुछ थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद रात काटनी है, उसके बाद अगली मॉर्निंग तो पराठा है, ब्रेड टोस्ट है या बॉयल्ड एग है, क्या है देखते हैं। तो अभी हम आ गए KFC यार, तो KFC में देखते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, लेकर आता हूँ, इन्जॉय करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो टेस्टी टेस्टी आ चुका है, डिलीशियस यमी यमी। जीव जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। तो बहुत एंजॉय कर लिया यार, मजा आ गया है, KFC भी एंजॉय कर लिया, अब वापस होटल चलते हैं और जाके जो अपना इनकम्प्लीट काम था वो काम कंप्लीट करते हैं। चलो रास्ते नहीं मिल रहा, कहाँ एग्जिट है, कहाँ एंट्री है, तो पूछते हैं यार। तो होटल पहुंच चुके हैं, सत्य रूम पे आ जा यार, सेंसर है ना, ठीक है। मैं अभी फिंगर यूज़ कर रहा हूँ गाइस, आई डिडंट नो कि थंब यूज़ करना है, ठीक है यार होता है, हर चीज़ लाइफ में पहली बार होती है। चलिए यार सबकी ऑफ आ रूम, कमाल है यार, पहले तालों के दरवाजे, सॉरी दरवाजों के ताले आते थे, उसके चालू हो जाती थी, हाँ स्वाइप करना है, ओह सॉरी है। तो हम होटल आ चुके हैं और अच्छा मज़ा आया यार, इन्जॉय किया,
और हमेशा एक न्यू एक्सपीरियंस होता है यार, आप कहीं नई जगह आते हैं तो नया एक्सपीरियंस है। मॉल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इंजॉय किया। KFC का खाना जो शालू का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, हैं शालू? शालू का सबसे ज़्यादा, अगर मैं आउटडोर फूड की बात करता हूँ तो मैकडी भी इतना नहीं है जितना KFC है, और उसके बाद आता है डोमिनोज। मैं क्या बताऊँ आपको, और अभी आज पहला दिन हुआ है, आधा दिन तो ट्रैवलिंग में निकल गया, उसके बाद आधा दिन होटल सर्च करने में निकल गया, तो जो टाइम मिला यार उतने में इतना दिखा पाया। आप भी अंडरस्टैंड करते हैं यार, आई नो आप भी समझेंगे इस चीज़ को। कल का एंटायर डे ट्राई मैं ये करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जगह कवर करूँ, ठीक है? तो कल के व्लॉग के लिए ज़रूर वेट करिए, और प्रीवियस सारे व्लॉग्स आप जाके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैं मेंशन कर दूंगा, और ऑलरेडी मेंशन भी होता है, वहाँ भी मैं एक्टिव हो चुका हूँ, तो वहाँ भी पोस्ट जो मैं करता हूँ उसको देखिएगा, उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एंड अभी के लिए गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, और जैसा मैं ऑलवेज कहता हूँ, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, डू लव, स्प्रेड लव, गुड नाइट।